बड़े बोले भाई आप कुछ भी बोलो, पहले भी जुमला पाकिस्तान को मुझे बोलिए और 10 मिनट में जीत गए थे पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है बात। हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्वीर है। इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने वाला हूँ। बहुत तगड़ी इस टाइम चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है क्रिकेट की दुनिया में कि पाकिस्तान इंडिया आएगा या नहीं आएगा, इंडिया पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा एशिया कप के लिए, वो वर्ल्ड कप के लिए आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारी तिड़ी विड़ी, मतलब दिमाग का दही बन चुका है इस टाइम। लेकिन एक चीज़ सुनने में आ रही है, नजम सेठी बॉयकॉट ODI वर्ल्ड कप 2020। पाकिस्तान ने की तरफ से कुछ बॉयकॉट करने का कुछ चर्चे मीडिया के अंदर लीक हुए हैं। क्या ये सच है, क्या झूठ है? हरभजन वर्सेस वसीम बदामी, ये भी देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, अपने अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में आप बताना ज़रूर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। के पास पैसा नहीं, उनको BCCI की तरफ देखना पड़ता है या फिर BCCI उनको मैचेस दे तो जा करके वो पाकिस्तान क्रिकेट सर्वाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत तो मत आइए ना। कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? आपने नहीं ICC इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहाँ पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप नॉट खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे सवाल ये नहीं है। वी डोंट फील सिक्योर, हम सब मुस्कुरा रहे हैं आप लोगों के साथ। सवाल दादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं ICC खेलने के लिए आऊंगा। ICC में सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट ईगोस, यू टेल मी, यू टेक द गारंटी कि ओ माय गॉड ये तो फाइट चल रही है, खेलने के लिए नहीं आऊंगा। आप ये कहिए फिर, हां तो नहीं आएंगे आपका अगर कि नाम पर टीम भी खेल सकते हैं और बिल्कुल फर्स्ट आ रही है। अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे। Indian cricket can still survive without Champions Pakistan. के लिए भी नहीं and if you guys can survive without Indian cricket, do it. Vaseem bhai, and Vaseem so bhai. Can Vaseem bhai, Vaseem bhai. Pakistan cricket can survive very. Harbhajan sahab abhi keh rahe hain na hum nahi aayenge. Mera inko challenge ab ICC ke tournament mein Pakistan mein World Cup hoga na hai to mujhe bataye, mujhe phir. Tu le liya bhai, tera challenge le liya phir. सर चैलेंज आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। उस टाइम आप कह दीजिएगा भाई, जिसके चलते मशवरा ले लें। वर्ल्ड कप हो रहा है, आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। आपने मैंने कहा ना कभी वर्ल्ड कप होगा, या अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो उसके बाद इंडिया की वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन मशवरा ये है, दो साल पहले पाकिस्तान इंडिया का ही मैच था, आपने बहुत बड़ा बोल बोल दिया था, आपको गले पड़ गया था तो ना बोले इतने बड़े बोल। ठीक है, पहले भी जुमला पाकिस्तान को और 10 मिनट तो जीत गए थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पता है कैसे क्रिकेट चलानी है। जब ICC ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट किया होगा तो BCCI की हामी होगी ना उसमें। जो आप कह रहे हैं आप स्टेटमेंट को आप ट्विस्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। नहीं, आप बात को बतंगड़ बना रहे हो। मैंने तो विक्रांत जी के सवाल को आगे बढ़ाया है कि विक्रांत जी वेरी कैटेगोरिकली सेट लगता है तो टीम विक्रांत जी वेरी कैटेगोरिकली सेट कि हम ICC के इवेंट्स में आएंगे। आप कह रहे हैं नहीं आएंगे, ठीक है, आप दोनों की राय में इख्तलाफ है, बिल्कुल सही है, बस ठीक है, आप दोनों की राय में इख्तलाफ है। बिल्कुल, विक्रांत जी ने कहा कि ICC में आएंगे, इसलिए मैं वही सवाल, मेरी राय मैटर नहीं करती, वही सिक्योरिटी कंसर्न है, राय मैटर कैसे करेगी, आपने कहा ICC में नहीं आएंगे। मेरा सिंपल पॉइंट ये है, आप देखिए, आप ना वसीम ऐसा है कि आप ना हाइपोथेटिकल्स में चले गए हैं। जैसे कामरान भाई ने बोला कि जी वर्ल्ड कप का मैच ना खेलें, भाई उस चीज की तंकीद होनी चाहिए, हमने तो नहीं की। वो उनका एक मौकिफ है, क्यों है मौकिफ, क्योंकि वो वहां पर बैठकर उनके इमोशन जाए। हरभजन सिंह कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम जी सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए पाकिस्तान में सेफ नहीं महसूस करती, ये उनका मौकिफ है। लेकिन इसमें आप हाइपोथेटिकल लगा रहे हैं कि वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान में होता है तो इंडिया ना, ये किसी ने कहा नहीं है। मैं आपको सिंपल बात कहता हूँ कि जिस तरीके से ACC ने कितना बयान दिया, नहीं नहीं मेरी बात सुन लीजिए। अरे सर बात तो सुन लीजिए, अरे बात तो सुन लीजिए, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान को मिला है तो आपको लगता है वो BCCI के हामी के बिना मिल गया होगा? सो BCCI वुड हैव आल्सो अग्रीड टू द ICC का चैप्टर ना, कि चलो ठीक है ये 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी होगा। एंड आई थिंक ये भी हो सकता है दो साल में हमारे आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं। भाई अरसों से पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट तो नहीं हुई, पहले भी नहीं ऐसे, पहले भी ऐसे गैप आते थे फिर होती थी। तो मुझे लगता है कि ये स्टूडियो में आप या मैं या हम फॉर्मर प्लेयर्स को फुटबॉल बना रहे हैं ये गलत है। भले वो तनवीर कुछ बोल रहे हैं या कामरान बोल रहे हैं, यूनुस भाई बोल रहे हैं, सनी भाई बोल रहे हैं, हरभजन सिंह बोल रहे हैं, मदन लाल बोल रहे हैं, वसीम बदानी, विक्रांत गुप्ता, आई थिंक ये मैटर नहीं करता।
हम सिर्फ एक फुटबॉल की तरह फुटबॉल बने हुए हैं। मैं आपको किक मार रहा हूँ, आप मुझे मार रहे हैं। एक चीज जो मैंने देखी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्लेयर खुश है एक दूसरे के साथ, मीडिया खुश होता है एक दूसरे के साथ, प्लेयर पुराने भी खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, जब भी मिलते हैं। मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जिस तरह हरभजन ने उन्होंने ये बात की कि जी हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते, वहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। चले जी, पाकिस्तान इंडिया जाना चाहता है, वहाँ तो सिक्योरिटी का मसला नहीं है। बायलैटरल सीजन रख ले, वहाँ पे बायलैटरल सीजन आ जाए, खेलने हम तो आपके साथ खेलना चाहते हैं। बट जाहिर है इसकी फाइनल डिसीजन तो रेलेवेंट गवर्नमेंट करेगी। वो मेरा डिसीजन नहीं है, वो मेरा नहीं है। अब जरा इस पर आते हैं, वो तो देखिए जब सरकार को लगेगा कि हालात ठीक है, क्रिकेट होगी। तो बहुत ही तगड़ा झगड़े टाइप का कुछ बन गया था सीन यहाँ पर, और ये इसी बात पर था कि नजम सेठी ने बोल दिया था कि यार अगर इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। तो देखो, विक्रांत गुप्ता थे इसके अंदर, हरभजन थे, और यहाँ पर चर्चा चल रही थी, एक तनवीर बैठे हुए थे यहाँ पे और वसीम बादामी थे, जो दोनों तरफ से चर्चा कर रहे थे कि आखिर मसला ये है कि क्यों जाएं, इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा। फिर बोला जा रहा है यार पाकिस्तान का क्रिकेट थोड़ा डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, अपनी जगह पर आपका आपकी रेपुटेशन या फिर आपकी जो इज्जत है, आपका जो नाम है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन किसी टीम को आप ये ना समझे, ये नहीं समझना चाहिए मेरी नज़र में कि यार वो बंदा बिल्कुल गिर जाएगा, बेकार है, उसके अंदर टैलेंट नहीं है, वो हमारे बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल मानना मेरी नज़र में गलत है। विक्रांत गुप्ता की तरफ से बहुत सही चीज़ बोलते हैं, मतलब वो न्यूट्रल रहकर बोलते हैं, वो क्रिकेट की सोच कर बोलते हैं, मैंने अक्सर उनको देखा है, और यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि वो फुटबॉल हैं हम लोग, हम यहाँ बोलकर क्या कर लेंगे भाई, वो जो डिसाइड होगा BCCI ICC की तरफ से, जो ICC के टूर्नामेंट हैं उसको लेकर जो डिसाइड होगा वो करेंगे डिसाइड। भाई हम और तुम क्या होते हैं यहाँ पर लड़ने वाले, ये डिस्कशन जो होता है, लड़ाई जो थी इसी बयान पर थी कि इंडिया नहीं आएगा तो हम पाकिस्तान भी नहीं जाएगा इंडिया खेलने। लेकिन हाँ, लास्ट में एक बात इन्होंने बोली, शायद तनवीर ने बोली कि चलो इंडिया को मसला है पाकिस्तान में आकर खेलने में, सिक्योरिटी का इशू है, तो अपने यहाँ पर रख लो, पाकिस्तान जो है वहाँ पर आ जाएगा खेलने, कोई बायलैटरल सीरीज़ रख लो, कुछ रख लो ऐसा कि भाई पाकिस्तान जाए, सीरीज़ खेले इंडिया के साथ, क्रिकेट हो, मतलब होता रहे, भले ही पाकिस्तान में ना हो, वहाँ पर सिक्योरिटी इशू है, इंडिया में आकर खेले। तो ये बात भी यार मुझे, मेरे अंदर सोच में पड़ गया, मैं भी यार कि यार हाँ, अगर इंडिया नहीं जा रहा है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं सीरीज़ में रख कर बुलाया जा रहा है, उसको बुला सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसको बुलाएं खेलें, तो सीरीज़ कहीं और भी हो सकती है, जैसे ये सब कुछ हो रहा है इंडिया में ही हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, और बड़ी वो गुस्से वाली फीलिंग निकल कर आ रही है कि यार तुम नहीं आओगे, हम नहीं जाएंगे। ये क्रिकेट के बारे में सोचो, क्रिकेट के बारे में बोलो, ऐसा मेरा मानना है यार। तो वो सीरीज़ हो, सब लोग जाएं, आएं एक दूसरे के पास जाकर खेलें, तो इससे क्या बुराई क्या है यार, इसमें कोई बुराई नहीं लगती। डिसाइड करना बाकी है कि इंडिया क्या जवाब देता है इस चीज़ का कि अगर हम नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान कैसे आएगा खेलने के लिए। सो यहाँ लफड़ा पड़ सकता है, यहाँ थोड़ा सा सोच ना पड़ जाता है कि यार ये जो बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं इंडिया और पाकिस्तान के बिना अधूरे हैं। क्या कहते हो आप इस सब के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताओ। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।